बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लोग पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो उसका सादा जवाब ये है। मेरे वालिद साहब भी फरमाते थे कि जो इंसान मर गया उसके लिए क़यामत है, उसकी क़यामत शुरू हो गई, क्योंकि मौत के वक्त ये फैसला हो जाता है कि फरिश्ते रहमत के आ रहे हैं या फरिश्ते अजाब के आ रहे हैं उसको लेने के लिए, उसकी रूह को लेने के लिए। फिर कब्र जो है वो रहमत की जगह बन जाती है या अजाब की जगह बन जाती है, और हशर भी फिर उसी तरह होगा। तो जो ज़िंदगी हाथ में है वही सरमाया है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि इंसान की ज़िंदगी 3 साथ पर मुश्तमल है। 1 साथ वो है जो गुज़र गई, और 1 साथ वो है जो चल रही है, और 1 साथ जो आने वाली है। ज़माना इन 3 साथों पर मुश्तमल है। फिर फरमाया करते थे जो जो लम्हा गुज़र गया उसमें तेरा कोई अख्तियार नहीं रहा, और जो आने वाला है मुस्तकबिल उसका पता नहीं कि आएगा भी या आएगा ही नहीं। तो लिहाजा ये लम्हा जो चल रहा है यही ज़िंदगी है। उस एक लम्हे के अंदर ख्याल रखना है कि जो चलता हुआ लम्हा है कि इसमें मैं नाफरमानी नहीं करूं, और ये मैं ऐसे लम्हा गुजारूं जो अल्लाह ताला की अतात और फरमा बरदारी में हो और मेरे लिए निजात और सवाब का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हमें दीन मतीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।